हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। ग्रीस की कैपिटल एथेंस में एक पहाड़ पर स्थित एक्रोपोलिस को क्लासिकल आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना माना जाता है। एक्रोपोलिस लाइमस्टोन से बने पहाड़ पर स्थित प्राचीन इमारतों और मंदिरों का एक समूह है। एक्रोपोलिस दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक्रो का मतलब होता है हाइस्ट पॉइंट और पोलिस का मतलब होता है सिटी। एक्रोपोलिस की ऊंचाई लगभग 490 फीट यानी कि 150 मीटर है और इसका एरिया लगभग 30,000 स्क्वायर मीटर है। इसके धार्मिक महत्व के कारण इसको सेक्रेड रॉक ऑफ एथेंस भी कहा जाता है। पर्शियन से युद्ध जीतने की खुशी में एथेनियन एम्पायर ने 495 BC में इन भव्य इमारतों और मंदिरों का निर्माण करवाया था और इसका निर्माण 429 BC में समाप्त हुआ। इसका निर्माण पेरिक्लिस के नेतृत्व में आर्किटेक्ट एक्टिनस और कैलिकेटिस द्वारा किया गया। फेमस मूर्तिकार फिडियास ने मूर्तियों का निर्माण करवाया। इसका निर्माण युद्ध के समय बचाव और मिलिट्री स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए किया गया था, इसलिए एक्रोपोलिस के चारों तरफ बड़ी दीवारें भी बनाई गई थीं। एक्रोपोलिस में मौजूद इमारत और मंदिरों को व्हाइट मार्बल से बनाया गया था, जिसको वहां से 10 मील दूर स्थित माउंट पेंटलिकस से लाया गया था। इसमें पार्थेनॉन, द इरेक्थियम टेम्पल, द प्रोपलिया गेट, द टेम्पल ऑफ एथेना नाइकी मौजूद हैं, जिसमें पार्थेनॉन ग्रीस के साथ ही दुनिया भर में बहुत फेमस है। पार्थेनॉन ग्रीक देवी अथीना को समर्पित एक मंदिर है। अथीना को ग्रीक लोग संरक्षक देवी मानते हैं। पार्थेनॉन को एथेनियन एम्पायर और प्राचीन ग्रीस का प्रतीक माना जाता है। इसका निर्माण 447 BC में हुआ था और ये 438 BC में बनकर समाप्त हुआ, लेकिन इसके निर्माण के बाद भी कई सालों तक इसके सजावट का काम चालू था। सारे ग्रीक मंदिरों की तरह पार्थेनॉन को भी खजाने की तरह इस्तेमाल किया जाता था। पार्थेनॉन की लंबाई 70 मीटर यानी 228 फीट और चौड़ाई 31 मीटर यानी 101 फीट है। माना जाता है पार्थेनॉन में 40 फीट ऊंची एथेना की एक विशाल मूर्ति स्थित थी। इससे पहले इस स्थान पर एथेना का एक मंदिर हुआ करता था, जो 480 बीसी में पर्शियंस द्वारा तबाह कर दिया गया था। उस वक्त इसको ओल्डर पार्थेनॉन नाम से बुलाया जाता था और ओल्डर पार्थेनॉन वाली जगह पर ही इसका निर्माण किया गया था। 6वीं शताब्दी में क्रिश्चियंस ने ग्रीस पर अधिकार कर लिया और पार्थेनॉन को एक चर्च में बदल दिया। काफी समय तक चर्च के रूप में इस्तेमाल किए जाने के बाद 1460 एडी में इसको एक मस्जिद में बदल दिया गया, जब टर्की के ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस पर अधिकार कर लिया था। 16वीं शताब्दी में मोरिन वॉर के दौरान वेनेशियंस द्वारा इस इमारत पर हमला कर दिया गया और इस इमारत को बहुत भारी नुकसान पहुंचा। ऑटोमन एम्पायर ने इस इमारत में गन पाउडर जमा करके रखा हुआ था, जिस कारण 26 सितंबर 1687 में इस मंदिर में आग लग गई और इसी दौरान एथेना नाइकी मंदिर भी नष्ट हो गया। 18वीं शताब्दी में 7th Earl of Elgin थॉमस ब्रूस ने ऑटोमन एम्पायर की अनुमति लेकर पार्थेनॉन में बची हुई कुछ मूर्तियां अपने साथ लंदन ले गया था और ब्रिटिश म्यूजियम को बेच दी थी, और जो मार्बल्स और मूर्तियां अर्ल ऑफ एल्गिन ने ब्रिटिश म्यूजियम को बेच दी थी, उनको मार्बल ऑफ एल्गिन कहा जाता है। ये मार्बल्स और मूर्तियां आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं। लंदन के अलावा एक्रोपोलिस के कई और मार्बल्स को पेरिस के वर्ल्ड फेमस लूवर म्यूजियम में भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही एक्रोपोलिस के कुछ स्कल्पचर कोपेनहेगन में स्थित डेनमार्क के नेशनल म्यूजियम में भी मौजूद हैं। पिछले कुछ सालों से ग्रीक गवर्नमेंट उन मार्बल्स और मूर्तियों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। 1832 में ग्रीस ने एक बार फिर से एक्रोपोलिस पर अधिकार किया और वहां मौजूद ऑटोमन एम्पायर से जुड़ी सभी चीजों को नष्ट कर दिया। 2500 साल पुराने पार्थेनॉन को टेम्पल ऑफ मिनर्वा नाम से भी जाना जाता है, जो कि एथेना का रोमन नाम है, और माना जाता है मार्बल और लाइमस्टोन से बने इस भव्य मंदिर को बनाने में लगभग 470 टैलेंट्स का खर्च आया था। दोस्तों, पार्थेनॉन ग्रीस की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इमारत है जो आज भी मौजूद है, और इसके साथ ही ये दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक इमारतों में से भी एक है। एक्रोपोलिस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के साथ ही न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का फाइनलिस्ट भी है। आज एक्रोपोलिस ग्रीस के साथ ही दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है से एक है, और हर साल लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट एक्रोपोलिस को देखने आते हैं। ग्रीस गवर्नमेंट ने 1975 में इसको फिर से पहले जैसा बनाने का कार्य शुरू किया है और माउंट पेंटलिकस से ही मार्बल्स लाए गए हैं, जहाँ से 2500 साल पहले लाए गए थे। दोस्तों, पार्थेनॉन सबसे पहले एक मंदिर हुआ करता था, फिर क्रिश्चियंस द्वारा इसको चर्च बनाया गया और बाद में टर्क्स ने इसको मस्जिद में बदल दिया। इतने युद्ध झेलने के बाद भी ये मंदिर आज भी मौजूद है, और यही कारण है
कि पार्थेनन ग्रीस के एंड्यूरिंग सिंबल के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस नॉलेज को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।